जय भीम साथियों, एक नया वर्ष और एक नया संकल्प लेने का समय। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, समाज के हित में और बाबा साहब के बनाए संविधान की रक्षा के लिए देश के लोकतंत्र को हम किसी भी कीमत पर दो दलों की जागीर नहीं बनने दें। देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते बहुजन समाज पार्टी संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई भी समझौता नहीं करेगी। हम लड़ेंगे और संविधान में दिए गए लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूती से खड़े रहेंगे। साथियों, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि इस राजनीतिक लड़ाई के लिए हमारे माननीय साहब श्री काशीराम जी एक बहुत अच्छा तरीका हमें समझा के गए, परंतु उसको इस्तेमाल करने के लिए हम सबको एकजुट रहना होगा। साथियों, हम लड़ेंगे लेकिन अपने तरीके से लड़ेंगे। इतिहास गवाह है कि बीएसपी ने हमेशा अपनी शर्तों पर ही लड़ाई लड़ी है और जीती भी है, और यकीन मानिए साथियों, हम फिर से जीतेंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि सोशल मीडिया पे कुछ चमचे और एजेंडा फैलाने वाले लोगों से आप संभल के रहें और तैयार हो जाइए बहन जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस जंग को लड़ने के लिए और जीतने के लिए भी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आदरणीय बहन जी का निर्देश है कि बीएसपी में 50% भागीदारी युवाओं की होनी चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चले और बीएसपी से जुड़े। इस मुहिम में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर सिर्फ एक मिस कॉल छोड़नी और फिर मैं खुद आपको संपर्क करूंगा। मुझे आपके साथ का इंतजार रहेगा। जय भीम, जय भारत।